हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पेशल चटपटा नाश्ता बता रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे दो मैगी के पैकेट ले लिया है। आप मैगी चाउमीन तो हमेशा खाते होंगे, मगर कभी आपने मैगी की चाउमीन खाई है? मैंने अपने आप एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए आप सभी लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए, और अपने घर में बनाइए, और आपके बच्चे बहुत चाव लेके खाएंगे। और इसे घर में बना के ट्राई कीजिए, और फिर मैं अगले प्रोसेस पर पहुँचती हूँ। देखिए, और यहाँ पर देखिए, मैंने कटा हुआ हरी मिर्च लिया है, और ये प्याज लिया है कटा हुआ, बारीक कटा हुआ टमाटर, और थोड़े स्लाइस कट में ये टमाटर काटे हैं थोड़ा डालने के लिए, और हरा धनिया। अब देखिए, मैंने इसको चढ़ा दिया है पानी को, और ऑन कर दिया है। पानी हमारा बॉयल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बॉयल करना है, 90-100 डिग्री मैंने कर दिया है, इंडक्शन में बना रही हूँ। और देखिए, मैंने इसको उसको बॉयल करने के पैकेट को, ये आटा नूडल्स है, आप मार्केट से ले लीजिए, आटा नूडल्स मिलता है। और इसे दो मसाले तो मैं जब बनाऊंगी ना उसको फ्राई करूंगी, तो उसमें मसाले ऐड करूंगी, इसमें नहीं डालूंगी। इसे जैसे मैं चाउमीन बनाती हूँ वैसे इसे बनाऊंगी। ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा पानी, और उसके बाद मैं आगे अगले प्रोसेस पर पहुँच। अब देखिए, मेरा पानी कितना बॉयल हो गया, अब मैं इसमें डाल दूँगी। दो पैकेट का बना रही हूँ, जो ये 10 रुपीस के हैं। ज़्यादा बनाएंगे तो उस हिसाब से मटेरियल लेंगे, इतना डालना पड़ेगा, इसलिए मैं दो का बना रही हूँ। अभी इसको बॉयल होगी, 5-10 मिनट तक उसे उबालना पड़ेगा। क्या करना होता है मतलब? उसके बाद ये छानेंगे, छानने के बाद फिर ये कढ़ाई चढ़ाएंगे इसमें। देखिए, उबालते समय ही एक मसाला हम ऐड इसमें कर रहे हैं। इसका पानी ज़रूर गिर जाएगा, मगर इसमें जो इसका मटेरियल जो मसाले का इसमें है, टेस्ट आ जाएगा, मतलब तो ज़्यादा टेस्टी बनता है हमारा ये। आप भी ऐसे ही बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ, सेम प्रोसेस में बनाऊंगा। अभी हमारा इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ, मेरा अब ये हो गया है। देखिए, ये छानते हुए ऐसे छान लेंगे, सेम जैसे वो छनता है वैसे ही है। अब हम इसके मसाले तैयार करेंगे। मैं कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई पे लगा दी 300 का दिया। अब मैं इसमें कुछ चम्मच सरसों का तेल लूँगी, आप चाहे जो भी तेल ले सकते हैं। मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, आधी चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, थोड़ा इसको तेज कर लेंगे। अब यहाँ मैं प्याज डाल दूँ। अब देखिए, हमारा ये प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी, कम से कम 2 मिनट इसको भूनूँगी। 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी, जो मैंने बताई थी बारीक हरी मिर्च कटी हुई, उसको भी रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी अच्छे से, फ्राई कर लूँगी। उसमें बहुत अच्छी आई, ऐसा लग रहा है अभी भी खा लूँ। आप लोग भी बनाइए तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो ये टमाटर बारीक काटी थी ना, इसको भी डाल दीजिए। सब
सबसे लास्ट में ये स्लाइस वाला डालूंगी। अब देखिए हम यहाँ पर इसको भून लेंगे, धीरे 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 भून रहा है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी बारीक करके उसमें मिट्टी वो डालेंगे, ये मैगी मसाला काट के डालेंगे। इसमें हम चाउमीन का ही फ्लेवर देंगे, मैगी और चाउमीन दोनों मिक्स। इतना टेस्टी लगता है, जो मार्केट में आप लोग चाउमीन खाते हो उसको खाना भूल जाएंगे। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को ही नहीं पसंद था, मैंने बनाया तो उन लोग वो लोग चाट चाट के खा रहे थे, खाने में कुछ भी नहीं था और भी मांग रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा चलिए इसका वीडियो शेयर करते हैं आप लोग के साथ। अब मैं ये स्लाइस वाला डाल दूँगी, थोड़े लंबे लंबे स्लाइस में है तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगे। आप चाहे इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसलिए यही ऐड करूँ कि मेरे घर में कोई पत्ता गोभी शिमला मिर्च इतना कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ, ये ज़्यादा पसंद आता है सबको। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, काली मिर्च बारीक जो पिसी होती है, हल्दी के साथ हमेशा काली मिर्च जब डालते हैं तो हल्दी के तत्व तो होते हैं वो पूरी तरह से मिलते नहीं, जब काली मिर्च डालते हैं तभी उसमें मिलते हैं, इसलिए याद रखें कोई भी चीज़ बनाएं हल्दी डालें तो उसमें काली मिर्च जरूर ऐड करें। अब मैं थोड़ा इसमें किचन किंग डाल दूँगी थोड़ा सा, और हल्का सा आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, और चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए और डिलीशियस। इसको चलाते रहेंगे, देखिए हमारा कितना अच्छा है। टमाटर भी हमारे कट गए हैं, अब जो मैंने इसको छाना था उस मैगी को उसको हम डाल देंगे। थोड़ा गैस इसको इंडक्शन को स्लो कर देंगे, कढ़ाई में नीचे पकड़ रहा है। धीमा कर दिया, अब थोड़ा इसमें नमक भी ऐड करेंगे, तो नमक देख लीजिए कितना डालना है आप, और स्वाद अनुसार नमक डालना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले मसाले में नमक रहता है, इसलिए इसमें स्वाद अनुसार डालना है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक डालने के बाद। अब थोड़ा सा इसमें हम चाहे तो एक चीज़ और ऐड करना है मैगी का, इसमें टेस्ट लाने के लिए एक चीज़, ये देखिए थोड़ा सा विनेगर ऐड करती हूँ इसमें, एक चम्मच ऐड करूँगी, इसमें आ जाएगा टेस्ट चाउमीन वाला। देखो आप इसे सोया, देखिए खुशबू आने लगी चाउमीन वाली, आप इसे सोया सॉस डाल के खा सकते हैं या फिर तीखी चटनी से भी खा सकते हैं या सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया मिली थी उसको मैं इसमें गार्निश करने के लिए सजा दूंगी। अब हमारा ये डिलीशियस ब्रेकफास्ट मैगी से चाउमीन बना नाश्ता इसको तैयार कर दिया है, अब खाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैं सबसे पहले अपने बच्चे को दूंगी खाने को, वो बताएगा कितना टेस्टी बना हुआ। अब रेडी हो गया, मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं, आप देखिए लंबे लंबे बिल्कुल, आप चलिए चलेंगे थोड़ा सा, ये ज़्यादा खाएगा नहीं इसलिए इसको थोड़ा सा ही सर्व करेंगे। यहाँ पर काटा ले लेंगे,
देखिए तैयार हो गया है डिलीशियस फूड, यम्मी फूड। अगर आपको ये हमारी डिश पसंद आए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू, बाय बाय। बच्चे को खिला रही हूँ, देखिए यम्मी बना हुआ। कैसा बना बेटा? बहुत टेस्टी है अम्मा। ओह थैंक यू। अब आपके लिए इसी तरह मैं डिलीशियस फूड बनाऊंगी। और देखिए आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं मैगी, तो आप इस तरह बनाइए, बच्चों को खिलाइए, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।